नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे NS 1569 की, जो कि सबसे अर्ली वैरायटी है और ऊटी लहसुन बोने के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है, जिसमें आप दोनों फसल बो सकते हो। जैसे कि ये सोयाबीन की पैदावार भी ले सकते हो और ऊटी लहसुन भी आप जल्दी बो सकते हो। ये देख सकते हो आप, इसमें दाना बनना चालू हो गई हैं और ये 1 महीना और 5 दिन की हुई है अभी तक। देख सकते हैं आप इस वीडियो में कि किस प्रकार इसमें फलियां आ रही हैं और किस प्रकार इसमें दाने की साइज है। देख सकते हैं आप, जो कि 85 दिन में ये बहुत बड़ा हो गया है और ये देख सकते हैं इस प्रकार का दाना बन चुका है। मात्र 10 दिन में ये कटने वाला है। 85 दिन की वैरायटी है और ऊटी लहसुन बोने के लिए भी लगभग 5 सितंबर को या 10 सितंबर को बोते हैं या इसके बीच में बोते हैं। तो ये देख सकते हैं, आज हम बात कर रहे हैं ये 1569 की, और देख सकते हैं इसकी खास ध्यान रखें इल्ली के प्रकोप की, जो कि आपकी पैदावार घटा सकता है। ये 1569 सबसे बेस्ट वैरायटी है, जो कि 7 से 8 क्विंटल प्रति बीघा का उत्पादन दे सकती है। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार इसमें फलियां आ रही हैं, किस पर दाना है। हाइट इसकी मात्र छोटी है, परंतु इसका उत्पादन 7 से 8 क्विंटल प्रति बीघा। देख सकते हैं आप, ये सोयाबीन इस प्रकार की है और इसमें फलियां देख सकते हैं। इसमें ध्यान रखें, कृपया इल्ली का कृपया ध्यान रखें, 2 बार स्प्रे करें। एक तो ये 25 दिन की हो सोयाबीन और एक 45 दिन की वैरायटी हो। तब देख सकते हैं आप किस प्रकार इसमें दाना फली जोरदार। ऊटी लहसुन के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी और 95-60 भी मात्र इसी दिन में आती है, परंतु वह ज़्यादा पानी सहन नहीं कर सकती है। यह ज़्यादा पानी के साथ साथ ज़्यादा उत्पादन भी दे सकती है। देख सकते हैं आप किस प्रकार इसमें फलियाँ आ रही हैं, किस प्रकार दाने बन रहे हैं। देख सकते हैं आप इसमें, यह सफ़ेद फूल की वैरायटी है 1569, जो कि NS कंपनी की है। धन्यवाद।